अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सहर बुखारी प्रेजेंटिंग अचीवर टॉक। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो प्री मेडिकल से ही सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी। 2013 में इन्होंने फ़ायदा फाउंडेशन को ज्वाइन किया। आसमान फाउंडेशन की वुमेन विंग को ये हेड कर रही हैं और उम्मीद ट्रस्ट की ये ओरिजिनल डायरेक्टर हैं। सो काइंड हार्टेड ब्यूटीफुल मिस समरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं बट सोशल वर्क में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा था, ओके? तो इसलिए आपने दोनों फील्ड मिलती जुलती ही चूज़ की। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि सोशल वर्क जो होता है, चाहे ह्यूमन राइट्स हैं चाहे वुमेन राइट्स हैं, उन पे काम ऑन स्क्रीन होता है, वैसे इस पे कोई वर्किंग नहीं होती। तो इस बात में कितनी रियलिटी है? इट डिपेंड्स कि किस लेवल पे हो रहा है। अगर वो टॉप हायरार्की में हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोई भी हो सकती है, अगर उनके हेड्स कर रहे हैं तो वाकई वो ऑन स्क्रीन ज़्यादा होता है और ऑफ स्क्रीन कम होता है। मगर अगर हम जैसे कॉमन लोग, आप, मैं, या हम जैसे वो लोग जो सोसाइटी का ही पार्ट है और सोसाइटी ने ही हमें बनाया है, लाइक वट एवर आई एम राइट नाउ आई एम बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सो मेरा अपना जो पैशन था वो शुरू से ये था कि मैं किसी स्ट्रीट चाइल्ड को देखती थी, मैं सिग्नल पर खड़ी हूँ तो मैं अगर देख रही हूँ कि कोई बेगरी कर रहा है, कोई मांग रहा है, तो मुझे शुरू से एक चीज़ ट्रिगर करती थी, व्हाई ही इज़ देयर, व्हाई शी इज़ देयर। तो मैं अगर अपना देखूँ तो मुझे तो बचपन से एक चीज़ ट्रिगर करती थी कि मैंने हेल्प करनी है लोगों की। और अगर मैं अपने लेवल पर कर रही हूँ तो मेरा ऑन स्क्रीन कम है, मेरा ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है। मगर अगर जितनी टॉप हायरार्की पे आप लोगों को देखते हैं कि बहुत लेवल के पॉलिटिशियंस हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनका अनफॉर्चुनेटली ऑफ स्क्रीन जो है वो काम कम होता है और ऑन स्क्रीन लोगों को दिखाने के लिए और अपने हल्के में और सोशलाइज करने के लिए ज़्यादा होता है। तो ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको कम करें, ऑफ स्क्रीन काम करें, सोसाइटी को पे बैक करें, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको हर लेवल पे जहाँ पे भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं करें, मगर उसको उसकी पिक्चर्स लेके लोगों को दिखाएं थोड़ा सा काम। तो ये है, ये दैट्स ट्रू। आपका क्वेश्चन यही था कि होता है तो होता है और होना नहीं चाहिए ऐसे। ओके, तो जब आपने सजेस्ट किया कि आपको वुमेन राइट्स के लिए काम करना है या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, तो कौन कौन से चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए ये था कि सबसे पहले मैंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। तो मैं जहाँ पे भी देखती थी ना, कोई बच्चा काम कर रहा है, कोई छोटा, जिसको छोटू कहते हैं ना, ये जो टर्म यूज़ होती है छोटू, आप वो वर्कशॉप्स पे काम कर सकता है, वो होटल्स में काम कर सकता है, वो कहाँ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है, मैं जाके उनके उनके जो एम्प्लॉयर जो होते थे उनसे बात करती थी कि व्हाई यू आर हैविंग दैट चाइल्ड, यू शुड सेंड देम टू स्कूल और वो एजुकेशन के लिए। बट दे सेड कि नहीं, ये हमारे पास काम कर रहे हैं, हम इसको सही रख रहे हैं, बट रखते नहीं थे, पे भी बहुत कम करते थे। फिर उनको पता चल गया कि ये आ जाती है तो वो बच्चे छुपा देते थे कि ये आ गई हैं, आप बच्चों को छुपा दो। इवन रिसेंटली मेरे हॉस्पिटल के पास एक बच्चा था, तो मैं चाह रही थी कि उसके लिए कुछ हो सके, वो 7,000 पर मंथ पे एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है। मैंने मेरे रिसोर्सेज, मेरे लिंक्स हैं, मैं उसको 25-30 की ब्रैकेट में काम करवा सकती थी किसी फैक्ट्री में या कुछ। मगर उसके ऑनर ने, एक दफ़ा मैं उस बच्चे से मिली, मैंने उसकी मॉम का नंबर को शेयर किया कि मैं उनसे बात करूंगी, ऑनर ने उस बच्चे को ही बदल दिया। तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं, ये बैक इन 2013 में भी थे और ये अभी भी हैं कि लोग, वही सोसाइटी के पार्ट, वही लोग जो खुद उस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ वाला जो है वो उसी लेवल पे रहे। तो एक तो ये चैलेंज, दूसरा एक जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की बात आती है ना पाकिस्तान में, लाइक एक फीमेल्स के लिए खड़ी हो रही है तो वो फेमिनिस्ट हो गई। भाई, मेल्स भी फीमेल्स के लिए खड़े होते हैं। वट एवर आई एम राइट नाउ, हुएवर आई एम, मैं अपने फादर की वजह से हूँ, तो फादर भी फेमिनिस्ट हो सकता है। तो ये जो बात आती है ना सोसाइटी इस चीज़ को, हाँ मॉड है, हाँ पढ़ी लिखी है, ये तो बस औरतों को ख़राब करेगी, अगर हमारी औरतों के साथ अटैच हो रही है तो इसका मोटिव कुछ और है। मेरा मोटिव तो यही है कि आपको इक्विप कर दूं, आप एजुकेट हो जाओ, घर बैठे काम कर लो। आज की कोविड के बाद जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए ना इंटरनेट ने, अब पहले हमें पता ही नहीं था कि इंटरनेट पे घर बैठे भी आप अर्न इतना कर सकते हो। तो मैंने, मेरा अभी तो टारगेट जो औरतों को मैं कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग स्किल्स दे रही हूँ, मगर कभी ये भी आता है कि कभी फैमिली अलाउ नहीं करती या
पहली मीटिंग में उनको नहीं पता होता कैसी, ये भी तो एक अंडरस्टूड सी बात है ना, आपको आज मिलने से पहले आपको मेरा नहीं पता था, अब आपको मेरा पता है, तो आप नेक्स्ट टाइम कुछ करेंगे सो वी विल बी क्वाइट कंफर्टेबल, राइट? इस तरह से वो जब एक दफ़ा हमारा इनिशिएटिव हो जाता है तो पेरेंट्स को पता होता है कि मैं कैसी हूँ, या मैं प्रोटेक्टिव हूँ बच्चियों को लेके या माओं को लेके जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर वो हर्डल्स कम हो जाती हैं. बट फिर भी एक सोसाइटी हर्डल है औरत के लिए, तो अभी भी हर्डल्स होती हैं, बट क्या है कि वी हैव टू कोप देम, वी हैव टू वर्क हार्ड, और उस तरह से वो कवर हो जाता है. ओके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में सर्वाइव करने के लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में दोनों का होना ज़रूरी होता है, या कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो ना हो तो उसके बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं, इकोनॉमी कंडीशन जो है, और फीमेल पे स्पेशली बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन मेल पे भी होता है क्योंकि उन्होंने अर्न करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की कमी है, ये सारे इश्यूज हैं, तो वो होता है ना कि अब दोनों चीज़ें साथ नहीं मिलती. तो मेंटली आपको लगता है कि फिट हों या फिजिकली फिट हों जो अपनी फैमिली को अच्छी तरह लेकर चल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट. अब मैं फिजिकली ठीक हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही, मेरी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, मैं मेंटली ठीक हूँ, मेरी बैक में बैक एक है, मुझे हेडेक है या कोई है मसला ऐसा चल रहा है तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी. तो दोनों हेल्थ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है. बट पाकिस्तान में ना फिजिकल हेल्थ पे तो फिर भी कुछ हो जाता है, दवाई आपको पैनाडॉल मिल गई, आपको मेडिसिन मिल गई, थोड़ा बहुत आपका ट्रीटमेंट जिस भी लेवल पे होता है, सो ऑन इज गोइंग ऑन. बट मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता. आपने मेंटल हेल्थ की बात किया, लोग मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ होता क्या है. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम कि कोई मेंटल वेल बींग भी होती है, कि मैं आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई वॉन्ट अचीव दिस थिंग, बट आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम पॉजिटिव. ये चीज़ें लोगों में है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि पॉजिटिविटी भी एक स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट होती है. तो इस पे इन दोनों के बगैर तो नहीं चला जा सकता, और इन दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है. ना आप मेंटल हेल्थ के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, ना आप फिजिकल हेल्थ के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, अच्छा, आप जिन्हें ड्रग्स की एडिक्शन होती है, वैसे पेशेंट्स को भी आपने डील किया है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल है, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पॉलिसीज जो हैं वो स्ट्रेस में डालने पे इन्वॉल्व हैं, या फिर जो आजकल गहमा गहमी के कुछ भी नहीं तो बस एक दूसरे से हसद है या लेग पुलेंगे, ये चीज़ें ये रिस्पॉन्सिबल हैं? असल में ये जो हमारी कंट्री की कंडीशन इस वक्त हो रही है और लोग जो हैं डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मुझे ये समझ नहीं आता उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है. तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सोशल वर्क का भी शौक है, हर तरह की कम्युनिटी से आप मिलती हैं, देखती हैं, और पेशेंट को वैसों को डील भी करती हैं, तो आपकी नज़र में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक अप्रोच होती है, उसको कहते हैं साइको सोशो इकोनॉमिक अप्रोच. ये हम मेडिकल में भी अप्लाई करते हैं, ये हम इस इशू में भी अप्लाई कर सकते हैं. एक तो हो गई सोशो सोसाइटी, सोसाइटी प्रेशर क्रिएट करती है. सोसाइटी एक ऐसा बफर है कि आपने बड़ी गाड़ी ले ली तो मुझे डिप्रेशन हो गया यार, मतलब ये नहीं डिप्रेशन हुआ कि यार आई शुड वर्क हार्ड और मैं भी अचीव करूं, डिप्रेशन ही हो गया, इसके पास कैसे आए. वो एक सोसाइटी में जो रिफ्ट चल रही है ना, खिंचाव जो सोसाइटी में, और सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है. सोसाइटी की डिवीजन ख़त्म हो जाएगी ना, तो ये हसद जो आपने बोला वर्ड हसद, ये ख़त्म हो जाएगा. एक है इतनी एलीट क्लास के उनको कोई टेंशन नहीं है, एक वो ओवर स्ट्रेच्ड 70% आ गई मिडिल क्लास जो स्ट्रगल कर रही है कि इसे ऊपर जाएं, अपर मिडिल में चले जाएं. एक वो क्लास है जो बहुत पीसी हुई है, 30-40% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास है. ये जो ड्रग एडिक्शन के केसेस होते हैं ना, ये तीनों क्लासेस में है. फिर मजे की बात है ये नहीं कि सिर्फ लो मिडिल क्लास में है, चलो गुर्बत है, चलो हो गया, पैसे नहीं है, ईजिली चीप ड्रग्स मिल रही हैं, चलो एक इंजेक्शन लगाओ और स्पून से बैठे रहो, दिमाग काम नहीं कर रहा, सो आई एम रिलैक्स्ड. ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास के लोग भी करते हैं, अपर क्लास के लोग भी करते हैं, वो अच्छा नशा करते हैं मगर करते हुए भी हैं, उनके स्ट्रेसर्स और हैं. तो एक तो इसमें सोसाइटी का रोल हो गया, दूसरा पेरेंटिंग. इसकी एक स्टडीज़, अभी मुझे एग्जैक्ट ऑथर का नाम नहीं है, मैंने स्टडीज़ इसमें पढ़ी थी जिसमें ड्रग एडिक्शन, बिकॉज मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है. अब साइकोलॉजी का एक एलिमेंट आता है उसमें, ये कहते हैं कि आप जो जीन्स पास आउट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, हेल्दी होने चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए. अगर मैं आज प्रेशर को टॉलरेट कर सकती हूँ ना, मैं ऐसे जीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करूँगी कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी प्रेशर को पेयर कर सकेगी. मगर अगर मैं ही बोझिल हूँ,
मुझे ही कोई टेंशन आया तो चलो यार चार तीन चार सिगरेट पी लिए, स्ट्रेस में चली गई, फौरन से डिप्रेशन वाली स्टेट में आ गई, तो मैंने जो नेक्स्ट बच्चा पैदा करना वो हेल्दी होगा मेंटली? नहीं. जनरेशन्स टू जनरेशन्स हम बात करते हैं कैंसर की, जेनेरिक डिजीजेस के वो फैमिली में पास आउट करते हैं, डिप्रेशन भी करता है, डिप्रेशन फैमिलीज में रन करता है, फिर फैमिली पेरेंटिंग, आपका पेरेंट्स का स्टाइल, फिर लोगों के पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं आपस में, डिवोर्स, सेपरेशंस, घर में माहौल ऐसा मार धाड़ वाला माहौल है, वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा भी तो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होगा ना, ऐसे ही अफेक्टेड होगा. तो फैमिली भी कंट्रीब्यूट करती है, फिर पीयर ग्रुप, दोस्त कैसे हैं आपका, आप निकलो ना घर से, निकलो सोसाइटी में, दोस्त कैसे हैं? एक दोस्त है वो बहुत रिच है, उसके घर में कोई इशू नहीं है, मेरे घर में इशूज़ है और मैं उसे देख के हसद करूँगी, यार इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी लाइफ नहीं है. सो ये चीज़ मुझे एक नेगेटिविटी मेरे अंदर इनबिल्ट करेगी. यहाँ से निकल जाएँ तो फिर पीयर ग्रुप से निकलें तो रिलेटिव्स हमेशा स्ट्रेस देने में आते हैं यहाँ इस सोसाइटी में, मोस्टली या रिलेटिव. सो मुझे लगता है कि इसकी डिवीजन बहुत ज़्यादा लेवल्स पे है. ये आप देख लें, साइकोलॉजिकल भी है, सोसाइटल भी है, इकोनॉमिक पैसे नहीं है, डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन से निकले के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना, तो ये तीनों एलिमेंट्स है. और कंट्री का एनवायरनमेंट, एक कंट्री होता है डेवलप्ड नेशंस में होता है कॉन्सेप्ट एक कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, यहाँ कोई डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी? यहाँ एक बूढ़ा बैठा हुआ है ना, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं कायरोप्रैक्टर हूँ, मेरे पास एक बंदा आ रहा है, वो मुझे वीक में एक दफ़ा ही अफोर्ड कर सकता है मेरी फीस देना, मैं कम भी कर लूँ तो वो वीक में एक दफ़ा ही आएगा. उसके पास सोसाइटी में ऐसा कोई फ्री का सेंटर नहीं है, जेरियाट्रिक सेंटर नहीं है बूढ़े लोगों के लिए कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टिक अपॉइंट्स हों गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हें पता हो कि जोहर टाउन की लोकेलिटी में ये जगह है, हमने यहीं जाना है, हमने प्राइवेट नहीं जाना, और गवर्नमेंट पे करेगी इस चीज़ का, राइट? इसी तरह से जो यंग किड्स हैं, छोटे बच्चों को आप देख लें कि जो जिनमें ड्रग एडिक्शन ज़्यादा होती है, वो ऐसे दोस्तों में उठते बैठ रहे हैं, वो ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं, वो ऐसे सीजन्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिसमें ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं से लेसन ले रहे हैं, फिर घर में बॉन्डिंग नहीं रही. ये गैजेट जो हमारे हाथों में है ना, मोबाइल, आप अपने मोबाइल पे बिजी हैं, वो अपने पे है, मैं अपने पे बिजी हूँ, हम बात ही नहीं कर रहे. तो जब हम बात नहीं कर रहे ना, तो हम कहीं बैठे हुए सोशल नेटवर्क पर किसी और से बात कर रहे हैं, तो माई भी हम ये चीज़ें उनसे भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हालांकि नेटवर्क ने हमें कनेक्ट तो किया है, मगर डिसकनेक्ट भी बहुत किया है. तो ये चीज़ भी एक फैक्टर हो सकती है. तो आप मल्टीपल फैक्टर्स जिन्हें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ड्रग एडिक्शन में, और ये यंगस्टर्स से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं. टीन एज ग्रुप जो है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं. पहले होता था 18 ईयर्स से पहले आप बाय नहीं कर सकते, कुछ ऐसी पॉलिसीज थी. मैंने तो 14 14 13 13 साल के लड़कों को सिगरेट पीते बाहर देखा, और कॉन्फिडेंटली, लाइक दे आर मूविंग, वो ऐसे घूम रहे होते हैं कि लाइक दे आर थिंकिंग दैट दे आर हीरोज. तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सोसाइटी में थोड़ी कम करें, इस पे कंट्रोल करें. एक तो टोबैको को करें महंगा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है टोबैको कंट्रोल करने की, कि इसको महंगा कर दो. महंगा करोगे अफोर्ड ही नहीं होगा लोगों से, इसे अफोर्ड होगा फिर वही पिएगा, वरना इससे भी एडिक्शन कम होगी और बच्चों की रेंज में नहीं चीज़ आएगी, क्योंकि बच्चे तो बाय नहीं कर पाएंगे ना, महंगा है. अब यहाँ पे आप 5 5 रुपये का सिगरेट दोगे तो हर बच्चा ही बाय कर लेगा. आप करो 150 का सिगरेट, मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा बीता है. बट जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं होती ना, होता यही है कि एक को अगर उससे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, तो वो फिर उसने कहीं से भी अफोर्ड करना है, वो वहाँ कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज करेगा, चाहे फैमिली को टॉर्चर करे, चाहे कुछ भी करे, और उसने उस चीज़ को बाय करना ही करना है. अच्छा, अभी आपने बोला मल्टी टास्किंग, आप भी मल्टी टास्किंग हैं, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, और एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपका क्लोथिंग ब्रांड है. तो एक फीमेल को जब इतनी सारी फील्ड्स को, या आजकल तो और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बट उसके बावजूद भी अगर एक फीमेल कुछ कर रही है ना, तो उस पर कोई ना कोई एलिगेशन या कोई ना कोई बात होती है. तो आप इतनी मल्टीटास्किंग है, आपको किस स्ट्रेस से गुजरना पड़ा? मल्टी इशूज स्ट्रेसेस, बट फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. रिलेटिव्स को तो मैं पूछती नहीं हूँ, जो मर्जी कहते रहे, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मैंने ये टेंशन ले ली कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो यही सोचती रह जाऊँगी, कुछ और तो नहीं करूँगी ना, कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या सोच रहा है. प्रेशर्स आते हैं, बट मेरी फैमिली, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है. वो जब एक पेर एक लड़की को एक फादर की सपोर्ट होती है ना, आई एम नॉट मैरिड यार, कल को इंशाल्लाह हस्बैंड की भी होगी, बट इस चीज़ से मुझे ये वाला प्रेशर नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से. अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है ना, और फैमिली से आपको एक पुश मिल रहा है कि यू कैन डू एवरीथिंग,
यू कैन डू इट, वो पेरेंट्स की तरफ से. तो मेरे ख्याल से आपको कोई ये सोशल प्रेशर, ये रिलेटिव्स का प्रेशर, ये नहीं रुकता. मुझे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हर्डल, हाँ इश्यूज होते हैं, आप चले जाओ, हरासमेंट भी होती है कई कई जगह पे. आप पब्लिकली, हम अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे भी कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पब्लिकली आपको हरास करने की कोशिश करते हैं. ऑफिसेस में ऐसे लोग मिल जाते हैं. चले, मेरा तो यही केस है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करी कहीं पर भी. एनजीओ में काम कर रही हूँ तो टॉप हायरार्की पे कर रही हूँ, तो मुझे कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है सेक्सुअली या साइकोलॉजिकली. ब्रांड है सो आई एम द ओनर, तो मुझे कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है. मैं हॉस्पिटल जाती हूँ सो आई एम द सेल्फ एम्प्लॉयड, के आई एम कंसल्टेंट देयर, मेरे पेशेंट्स होते हैं, अपने टाइम पे जाती हूँ वापस, आई एम माई ओन बॉस एवरीवेयर. सो मुझे इतना प्रेशर नहीं जनरेट, वो बियर करना पड़ा. मगर वो लड़कियाँ भी तो हैं ना जो 15,000 के लिए, 20,000 के लिए कहीं पर जॉब कर रही हैं और ऊपर सीईओ जो है वो मेल बैठा हुआ है, और उनको ये प्रेशर बर्दाश्त करने पड़ते हैं. हर तरह के होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं, सेक्सुअल होते हैं. और वो बेचारी अपने घर के बर्डन के लिए, या ये उनकी विश होती है कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर आर सेल्फ, तो वो वक्ती प्रेशर को बर्दाश्त कर रही होती हैं, वो जैसा भी इंसान होता है उसके प्रेशर को. मेरे ख्याल से इस पर भी काम होना चाहिए. जो वर्क प्लेस सिक्योरिटी है ना फीमेल्स के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं इस चीज़ को डायरेक्टली फेस नहीं किया, इनडायरेक्टली एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं. एंड आई जस्ट आई वॉज थिंकिंग दैट इट्स अ मेंटल टॉर्चर ऑल द टाइम्स, कि यार ये क्या, कि हर वक्त बॉस है, टेंशन बढ़ी हुई है, कोई कुछ ना कोई इंसिडेंट या कुछ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर भी बात होनी चाहिए. और मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा इशू डायरेक्टली फेस नहीं करना पड़ा. बट इनडायरेक्टली आप तक मैसेज पहुंचा तो आप कोशिश. अच्छा, आप जो यूथ है और स्पेशली फीमेल्स, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि स्पेशली हमारी जो लड़की आज भी हरेसमेंट का शिकार होती है ना, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती. फैमिली को अगर करेगी तो वो बाहर निकलने पे एलिगेशन लगा देंगे, अगर बाहर उनसे फाइट करेगी तो वो कहती है कि लड़की कमज़ोर है, वो कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. तो इन फ्यूचर और आप और पास एक्सपीरियंस से आपने कौन सी ऐसे की पॉइंट जो हैं आपने उन्हें अडेप्ट किया कि जो आप फीमेल को मैसेज देना चाहें कि उनको अपने आप को इस तरह सिक्योर करना है और लाइफ में घबराना नहीं है. और इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर का रुतबा दिया है. ऑब्वियसली मर्द ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट औरत कोई मामूली चीज़ नहीं है. ये जो आपने कहा ना मर्द स्ट्रांग होता है, मैं ना आम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं मसल्स को भी डील करती हूँ ना, बार स्ट्रेंथ. मेरे ख्याल से मसल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ना ये स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, और ये मेल और फीमेल की बराबर है. ये जो स्ट्रेंथ है ना, और एक नर्व्स की स्ट्रेंथ, औरत से बड़ा मैं कहती हूँ, औरत में सब्र ही बहुत है, मर्द में तो सब्र ही नहीं है. मर्द बाय नेचर ही इज़ लाइक प्रॉन टू गेट इन टू एंगर क्विकली, गुस्सा आता है, अग्रेसिव होते हैं. फीमेल्स तो जैसा हमारा हाउस होल्ड है, हमारा जैसा सेटअप है, औरत में तो इतनी लचक है बर्दाश्त करने की, हम अपनी माओ को ही देख लें. तो मैं पॉइंट्स, एक तो फीमेल और मेल, मेल अगर मैं वो फिजिकली स्ट्रेंथन्ड है तो फीमेल भी स्ट्रेंथन्ड है, तो वो एक चाइल्ड को कैरी करती है 9 months के लिए. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग सम वन, यू आर टेकिंग सम वन इन दिस वर्ल्ड. आप ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हो. अगर मेल इतना स्ट्रेंथन्ड होता ना, तो कुदरत ने उसे कहा होगा ताकि बच्चे पैदा तुम करो, राइट? लेकिन एशिया में एशिया या इट्स क्वाइट लाइक एशिया की हिस्ट्री बड़ी पुरानी, ऐसी बड़ी ऑप्रेसिव हिस्ट्री रही है कि इसके अंदर फीमेल्स मेल्स का एक वो है कि बहुत कम नाम मिलते हैं हमें हिस्ट्री में औरतों के, दे वर लीडर्स. और क्योंकि ब्रॉट अप ऐसी है ना, मेल को खाना है तो बेटे को खिला दो, बेटी का चलेगा. पढ़ाई की अगर गुंजाइश एक ही है तो बच्चे को पढ़ा दो, बेटी का चलेगा. तो मेरे ख्याल से पहले तो इस ट्रेंड को ख़त्म करें. मैं कहती हूँ वो लोग जिनकी बच्चियाँ हैं, आजकल मैंने देखा है लोगों में कि उन्हें ये डिफरेंस नहीं रहा, वो कहते हैं ये भी बेटे हैं हमारे, ये भी बेटों की तरह आप ग्रो, इनको आप इनकी तरबियत ऐसी करो, आप इनको ऐसा माहौल दो. बेटियाँ ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, मुझे लगता है. इन माई केस आई एम सपोर्टिंग माई पेरेंट्स, मुझे लगता है भाइयों से ज़्यादा ही करती हूँ सपोर्ट. तो मुझे तो लगता है कि मैं फादर के लिए मैं भी बेटा ही हूँ. तो मेरे ख्याल से एक तो लड़कियों की पहले प्लीज़ ब्रॉट अप ऐसे करें, ये पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है. बेटी बेटा कोई फ़र्क नहीं है, ये ब्रॉट अप का डिफरेंस है. सिर्फ आप उनको ऐसे रेज करें, उनकी तरबियत ऐसी करें, कोई फ़र्क नहीं, एजुकेट करें. एजुकेशन वो बात करता है ना कि कैसे ग्रो करेगी सोसाइटी, दो चीज़ें हैं, एजुकेशन और हेल्थ. छोड़ दो सारा कुछ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, ये है हमारे कंट्री में करप्शन है सारा कुछ. एजुकेट करो लोगों को, एजुकेशन होगी करप्शन नहीं होगी. एजुकेशन होगी ना तो करप्शन हो भी रहेगी, होगी तो नीचे से बंदा उठ के बोलेगा कि तुम करप्शन कर रहे हो. लेकिन एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अर्बन एरिया और रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पे कितना डिफरेंट है कि वहाँ पर तो लड़की को
पढ़ने ही नहीं देते ना, और यहाँ पर फाइनेंशियली कंडीशन, अब जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो ऐसी हो गई है, फिर बस फैमिलीज ये सोचती हैं अच्छा हम बेटे को पढ़ा लें, बेटी को हम बाद में देख लेंगे या इस तरह। तो ये एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबल मेरी नज़र में जो हमारी इकोनॉमी कंडीशन है ना वो है। या बजट ही नहीं है इकोनॉमी में, आप देखें एजुकेशन हमारा हमारा प्रायोरिटी एजेंडा नहीं है ना नेशनली, हमारे और बड़े इश्यूज हैं, हमारा सिक्योरिटी इशू है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा लाइक इकोनॉमिक इशूज़ जो हमसे अभी तक 75 ईयर्स में स्टेबल ही नहीं हुई। तो ये है कि मेरे ख्याल से तो एजुकेशन हेल्थ पे काम करें और लड़कियों को ये बात करें ना, अब मैंने 2-3 दफ़ा सेक्शुअल वर्ड बोला क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, मेरे लिए कॉमन है ये वर्ड, लोगों के लिए होगा यार सेक्सुअल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, हरासमेंट होती है, फिजिकल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, इन पे अगर हम काम करें और इन पे बात करें कि मेल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल ही हरास होती हैं, एक तो इस चीज़ को भी छोड़ देना, मेल्स भी हरास हो रहे होते हैं कई जगह पे सेक्सुअली साइकोलॉजिकली भी, तो एक तो मेल फीमेल जेंडर को निकाल के हरासमेंट पे बात करें, वर्क प्लेस हरासमेंट, फिर ये फीमेल्स की ट्रेनिंग ऐसी करवाएं कि अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है खुद को प्रोटेक्ट करें, ये तो ट्रेनिंग्स होती है कराटा और ये जो भी, ये हम मेरे ख्याल से ये एक तो बच्चियों को होनी चाहिए कि एटलीस्ट सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकें, और सोसाइटी को ये करना चाहिए कि फीमेल अगर बाहर निकल गई है वो भी एक औरत ही, वो एक इंसान ही है, ऐसी क्या स्टेयरिंग की ज़रूरत है कि अब ये लोग तो मेरे ख्याल से अपनी आंखों से ही कहेंगे कि हम फीमेल को ना रेप करते हैं, ऐसी सोसाइटी है हमारी, अगर कोई औरत बाहर निकल ही आई है तो, अगर वो कोई काम कर ही रही है लेट देम बी, उन्हें उनका काम करने दो, हम हजार मर्द गुजरे होते हैं हम कितना उनको सर से पांव तक देखते हैं, आप खुद पूरा दिन बाहर होते हैं तो हमें ही क्यों देखा जाता है भाई, हम भी तुम लोगों की तरह उसी मिट्टी आग और सबसे बने हुए हैं, हमारा भी गोश्त वैसा ही है, प्लीज छोड़ दो इन चीज़ों से निकल के ना, अब मेरे ख्याल से सोसाइटी को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और यंगस्टर्स तो एसेट है हमारा, इतनी पॉपुलेशन हमारी यंगस्टर्स की है, वी आर फॉर्चुनेट वंस इन दिस सिचुएशन कि हमारे पास यंगस्टर्स बहुत है, मगर चैनलाइज हम करें इनको, यूथ को, तो हमारा कंट्री सबसे बेस्ट कंट्री कोई नहीं है अगर ये चीज़ें हमें बेटर हो जाती हैं। आज हमारे साथ थे मिस समरा मुगल, और इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने एक मैसेज दिया कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, लड़कियों को भी रिजर्व रहना चाहिए कि अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखें, बट सोसाइटी में अगर मिलकर काम करेंगे तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वरना स्पेशली पाकिस्तान तो और कंट्रीज़ से, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे तकरीबन 100 साल पीछे है, तो हम उसी कंडीशन में फंसे रहेंगे। सो नेक्स्ट टाइम किसी और अचीवर्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।